हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस के नंबर वन सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि पर शाह हाउस में जो माया का भांडा फोड़ काव्या ने सबके सामने किया, उसके बाद लीला बा ने मौके का फायदा उठा के सबके सामने अनुज पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी हां दोस्तों, लीला बा ने अनुज को कैरेक्टरलेस मतलब चरित्रहीन भी कह दिया है। बा का शुरू से ही खुद की जुबा पर कोई कंट्रोल नहीं था और ना है और ना आगे रहेगा। आपने भी कई बार देखा होगा कि हमेशा अनुज और अनुपमा को कोसती या बद्दुआ ही देती नजर आई हैं बा। चाहे अनुज और अनुपमा उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उल्टा उनको और उनके परिवार को कई बार मुसीबतों से बचाया ही है। अब खुद को लेकर अनुपमा ने कई बार लीला बा के ताने सह लिए हैं, लेकिन अब बात है अनुज की, तो अब अनुपमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना ही सह पाएगी। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि लीला बा को जब सारे कांड का पता चलेगा, उनको माया के साथ अनुज के अफेयर को लेकर अनुज पर बहुत ज़्यादा गलत इल्ज़ाम लगाएंगी और अनुज को खूब खरी खोटी भी सुनाएंगी, और ये सब कुछ वो अनुपमा के सामने कहेंगी और अनुपमा सह नहीं पाएगी। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब अनुपमा के बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म होगी, तो अब लीला बा पर फूटेगा अनुपमा का गुस्सा और यहाँ पर बा को अनुपमा अपनी हद में रहने के लिए कह देगी। यहाँ पर अनुपमा बा से ये साफ साफ कह देगी कि अनुज मेरे भगवान है और मैं अपने भगवान के खिलाफ कोई भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप यही ट्विस्ट देखने वाले हैं, जहां पर अनुपमा और अनुज इन दोनों को लेकर घर में होगा बवाल और इन दोनों को लेकर घर में आएगा तूफान। अनुपमा और अनुज इन दोनों पर बा ने जो लगातार लगाए हैं इल्ज़ाम, सभी इल्ज़ामों को जड़ से ख़त्म करेगी अनुपमा और अपने पति अनुज कपाड़िया पर उठे सवालों का मुंह तोड़ जवाब देगी अनुपमा। अब देखना होगा बा को जो अनुपमा ने सबक सिखाया है, तो अब बा की अकल अब भी ठिकाने आती है या नहीं, या देखना होगा। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे अपने चैनल टेलीबूम के साथ।